वह भी आँदे जी खुदा दे सजा जाके बह गया बर्रफा अल्लाह अल्लाह ने भी किया कि हाँ वाकई अल्लाह उन्होंने उठा के ला गया। और जिन्हों अगे ज्या बीतस हो शक्कर का मरीज वन कौन शुगर खिलाता और अगे तो डुबे ही सही अल्लाह से आता कि उठाया गया हो कोई उठाया नहीं गया मर गया अल्लाह ने किया हाँ ठीक है उठाया ही गया। उत्थे होर तर्जमे हूँ कहते कर रहे वह भी आँदे से उठाया गया रब ने हामी भर दी सिर्फ यह भी उठाया जाना मेरा एक नाम है दुश्मन कतल करना चाहता मैं बचा के लै गया ये खुदाई कह दी बाकी रह गया डरावे देंदे रहेंगे मिलते ही बड़े चला के आई ईसाई भी उन्होंने नाल कि वेखो ना साडा नबी आसमाना से है तुहाडा जमीन दफन है मिलते ही बड़े अच्छे तरीके ना बड़े रो रो के बयान करे यार एडी गुस्सा थी हजूर जमीन से है ईसा रसरा मोह मोह ठगने कहना थी कोई करने वाली गल ना लम्मी उम्र किसी की शान वध होने की दलील बे इबलीस कदों तो दिंदा शैतान नबियां ना शान उची किड़ी उम्र रब ने दी कोई गल करने वाली किरिया करो जिन्हों दलील किया जाए उम्र लम्मी ने की करना और ना किसी का उत्ते होना ही उसकी शान बना ना थले फरिश्ते सारे आसमाना रेंगे हजूर की खिदमत हादर होंगे रसूला के खादम है इस तो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने जो एक पादरी ने दिल्ली चाह के आख्या शाह साहब है झगड़ा लूँ की गल कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से रसूला शाह साहब ने आख्या यार सारे नज़दीक के ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदावा प्यारा नबी है मुहम्मद रसूला भी प्यारे असं इन्हें गल मगर तू चुके बहस कर दा तू दस बे मोती जरा वो समुद्र की तह च हों जे कान होंगे उ पानी से तरते वो उत्ते होंगे मोती थले हों के शान बद फिर जवाब ही कोई नहीं है तो मतलब है भी फजूल गलों का कोई फायदा नहीं अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा तो उससे मुड़ के आना रसूला तो बाद नवें बंद ने नबी कोई नहीं बनना जेडे से पहला बन चुके हूँ पहले सारे भी जिंदा रेंगे ना आदम अलैहिस्सलाम तो आखिरी हजूरी सी कि आप तो बाद नहीं किसी ने अलाट होया किसी पहले नबी के रहन तद खत्म नबूत नुकसान पाँगा जो कारे नबव शुरू कर ले फिर नबी अपनी जमात बनावे वक्री शरीय चलावे जो हजूर का उम्मती बन के साथ पिछले नमाजा पढ़ा तो बिस्मिल्ला सगुआ रसूल करीम की किन्नी शानदार हुई जी अपने हजर फड़ा यार कयामत के नेड़े जाके जो शरीर ही दुनिया च रहते हैं उस उम्र का एक आदमी एड्डी चोटी का जो खुद आंदा पैगंबर नमाज पढ़ा मगर पैगंबर जवाब देना कहने तू भी नमाज पढ़ा इमाम महली अलैहिस्सलाम ही जमात कराने ईसा अलैहिस्सलाम के पिछे पढ़ इस तो अल्लाह का दीन जड़न और अल्लाह ने सिर्फ यह नहीं भी लफ्ज़ दे के सानू छड़ता जो मर्जी तशरियां करते फिरो उदा नाल मफहूम बयान किया अल्लाह के रसूल तो नेक लोगों सुनिया महफूज हो गया जिन्हां चीज़ों से इख्तलाफ है उलमा दा उहदे विच शब्द नहीं करना चाहिए ये छोटी मोटी गलां जो नहीं हाथ बन्ना छड़ ले कोई गल नहीं एडे वड्डे आलम से अल्लाह की बेशुमार रहमत हुण भी दुआ में हदीस दो जिल्दां छपी हाफिज़ मुहम्मद गोंदली मैं इहो जिहे हदीसां का साथी तो उन्होंने मनना दूजा नहीं मनना ऐ जी नहीं नमाज अली हाफिज गोंदरी भी आख्या जी ईसाई हिंदू को तुम फल है कि जोड़ा काम तुरा नबी मजमे ज रोज़ करता सी पांच वेरी वह नहीं थोड़ा पकड़िया हाथ छड़ के पढ़ता कि बन के पढ़ता कि इतने से थले रफा जी उन्होंने आख्या गल सुन लो हदीसा ना ले फिर ब्याह पक्की कौन काफर थोड़िया हदीसा परखता फिरूगा दीन इस्लाम मगलूब हो जाऊगा हार जाओगे साफ कहो कि इन्हों चो कोई काम किसी ने कोलों नहीं क्या ये सारे अल्लाह के रसूल ने किए को बहुता किया कसौड़ा इस तो मन करत गल नहीं अनपढ़ा दी गल जिन्होंने बिदत कह दी इस सहाबा और इमामा दी गल चोटी के नेक लोग है उदा भी पढ़ते होंगे इस तो समझो लिख लो और मैं इतने ही मरना चाहते रहना भी इन्हें एक काम भी गलत है रफा जहन भी सुनत है छड़ना भी सुनत है इतने भी सुनत है छड़ के नमाज पढ़ना भी सुनत है इतने जो मर्जी चीखदार है चिल्ला है गल हाफिज गोंदली रहमत बगैर नठन राक और इसे तो ही सुबलो सलाम फिरा लिखी है बलूगर मराम की वे इमाम मुहम्मद ने इस्माइल जमानी आते बेदना भी यार हैरानी की गल चलो नमाज वाले भी किसी ध्यान किया ही नहीं और पांच वक्त अजान होंगी सी मनारियां वह ही रौला मुसलमान कुछ है साड़ी तरह अजान कहें जी हजरत बिलार दी है कुछ इमाम में शाफिर मालिक कहते नहीं दो वारी अशाद अल्लाह अशाद मुहम्मद रसूला सही जे सही कहो तो फिर अड्डियाँ चुके दोबारा दोहराओ तरजी रिपीट होना चाहिए ना कल यही सुनत मक्के हजूर ने इनू जारी किया मदीने हजरत बिलाल ने हल होए होना कि जेडे काम हजूर ने कई तरीक़े ना किए उदा ही रखने चाहिए उन्होंने जरा मर्जी कर लिया खैर है जिदे ते तय हो गई ना सारी उम्र सारे ग्रोह हो गया बया गल यार मुक गई हुई है यदा रौला ना पाओ वह जरूरियात दीन अगर कोई नवी गल करता तशरी करता वो फिर उम्मत तो कट जाता मुसलमानों के रस्ते तो रस्ता लग गया और दीन कोई गुंजाइश नहीं फिर अल्लाह ने दीन की की हिफाजत की भी लफ्ज चटते फिर माना कोई भी नहीं तुहाडे पल्ले ना जेडे माने तय हो गए उन्होंने उम्मत इकट्ठी हो गई उन्होंने बिल्कुल नहीं किसी ने हिलाना ना छेड़ना जड़िया चीज़ा इख्तलाफी है छोटी मोटी कोई गल नहीं सब ठीक ही ठीक है उन्होंने कोई हल नहीं
इमाम अहमद इबन हंबल नूं पुछिया, हुण इमाम अहमद दार इमाम अबू हनीफा दोवां दा मज़हब है कि जिसम तो किसी हिस्से चो खून निकल जाए, पीप निकल जाए तो वग पै और वगदी वजू वाले हिस्से तक आ जाए, इत्थों निकलिया जे बाजू तक आ गया वजू टुट जाना, फिर वो खून ही नहीं धोना, वजू भी नमा करना। इमाम मालिक और शाफी दोवें आँदे भी नहीं वजू नूं की होया, वह जाके वह खून धोवे वजू दा बरकरार। इमाम अहमद नूं बंदे ने सवाल किया कि अगर कोई इमाम ऐसा जिहड़ा इतना उहदा हाल होया खून वगया तो तुहाडे ख्याल च उहदा वजू टुट गया, मगर वह नमाज़ पढ़ाई जाना, तुसीं उहदे पिछे नमाज़ पढ़ो। ऐ शरारती लोगों के सवाल वेखो, हुण इमाम भी बेवकूफ हुंदा सी कहिंदा मैं उहदे पिछे कदी पढ़नी, उहदा तो वजू ही है नहीं। इमाम ने क्या गल सुन, वह बेवकूफा सईद इब्ने मुसय्यब जैसा ताबईन का सरदार और मदीने का चोटी का इमाम सहाबा तो बाद सब तो आल, वह नमाज पढ़ाउंदा होवे तो मैं उहदे पिछे नमाज़ पढ़न तो इनकार करना, भाई मैनू इदा होगी तो मैं अपने फतवे से अमल करूँगा, जाके वजू कर। दूजा समझदा मेरे ख्याल जो नहीं टुटा मैं उसे कहूँ डांग लैके वो दुआले होवी वह फतवा मुबारक। ऐ वुसत कलबी दिलों का खुले होना, जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों की गुंजाइश है उन्होंने लड़न की लड़ नहीं, तो जड़िया चीज़ा अकीदे दियाँ दीन दियाँ तय हो गई और सारे उम्मत के आलम ने उसके बारे फैसला कर लिया, इन्ने फिरके होंदे सारे ने इको गल कही, उन्होंने अगर नवें सिरे तो कुछ छेड़ता ना तो दीन एक माहौल बनाना चाहता, ये दीन की खिदमत कोई नहीं, इन्हें समझो शुद्ध परेशान खाब है मन अद कसरत है ताबीरा, फिर जेदी जी मर्जी जो कुरान का माना कर रहा, फिर दीन कोई नहीं रहना, एक तमाशा बनना। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला अब्दिल्लाह व रसूलिही खातम नबीन।